हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में जिसका नाम है टॉपिक एक्सक्रीशन देखते हैं किस तरह के एसर्शन और रीजन जो हैं इस एक्सक्रीशन वाले टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव व्हिच इज हे वी हैव द एसर्शन और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि एसर्शन में जो मेन रोल है वो किसका है ट्रू और फॉल्स का है एसर्शन एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच हार्मूव फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी ठीक है अगर मैं नजर डालू तो एसरशन जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि excretion एक बायलॉजिकल प्रोसेस है नंबर एक बात जो बॉडी के अंदर हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करती है बिल्कुल ठीक द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटली सेम इन बोथ यूनिसेलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दिस इज नॉट ट्रू ल्युलर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है मल्टी सेल्यूलर एक ऑर्गेनिज्म होता है दोनों की प्रोसेस अलग अलग होती है दोनों के पास सिस्टम्स अलग अलग है दोनों के पास यूनिसेल्यूलर uh, ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है वो फंक्शन लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो इस प्रोसेस को करता है तो ये पूरी की पूरी फॉल्स है तो ऐसे में क्या है असरशन ट्रू है असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है तो ऑप्शन सी जो है इसका एक करेक्ट आंसर जो है यहां पे वो होगा राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर टू ग्लोमी रूलर इट्स अ इट्स अ ग्लोमी रूलर क्या होगा ये ग्लोमी रूलर ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक थी असरशन क्या है ग्लोमी रूरल फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय किडनी देखिए जो ग्लोम प्रोसेस होती है वो ग्लोमिरुलाई में होती है है ना किडनी के जो नेफ्रॉन है उसका जो पहला पार्ट है उसको एक छन्नी की तरह होता है फिल्टर की तरह होता है तो जितना भी जो 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 डर्टी ब्लड आता है वो सारा इसके अंदर से जाता है नीचे ट्यूब्यूल्स की तरफ बॉमन कैप्सूल की तरफ और बॉमस कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स की तरफ तो ये जो प्रोसेस होती है वहां पे लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ग्लोमिरुला फिल्ट्रेशन जो होता है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है कैसा प्रोसेस होता है पैसिव प्रोसेस है और पैसिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता राइट पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो नहीं होता नंबर एक तो यानी कि ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है दूसरी तरफ इट अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बॉमन्स कैप्सूल बिल्कुल ये स्टेटमेंट हम फिर भी कह सकते हैं कि ये ठीक है क्योंकि एक प्रेशर डिफरेंसेस होता है एक ग्लोमिरुले में अलग तरीके का प्रेशर होता है जबकि जो कैप्सूल की तरफ जाता है जब जब ब्लड एक कैप्सूल की तरफ मूव करता है तो वहां पे एक अलग तरीके का प्रेशर जो है हमें देखने को मिलता है जबकि जो यहाँ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो फिल्टर करने वाली जो एक छन्नी होती है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जिसको हम ग्लोमिरुलाय का नाम देते हैं तो यहां पे प्रेशर जो है वो अलग हो जाता है यस yes. तो एक आ, और ये नीचे हो गया आपका बोमेंस कैप्सुल ठीक है तो प्रेशर डिफरेंस यहां पे होता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये ट्रू है तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि असरशन एक फॉल्स है जबकि रीजन जो है वो कैसा है ट्रू है तो यहां पर मैं स्टेटमेंट डी के साथ जाना चाहूंगा जो कि एक, एक सही यहां पे आ, आंसर है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं क्या जवाब हो सकता है ब्लड थ्रू द डायलिसिस बिल्कुल ठीक है देखिये आप लोगों ने डायलिसिस की प्रोसेस के बारे में सुना होगा है ना ये कुछ वही उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है

तो ये ठीक है लेकिन ये इसके लिए करेक्ट पॉइंट नहीं है मतलब करेक्ट तो है लेकिन उसको उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें नहीं मिल रही तो मैं ये कहूंगा कि रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर जो है यहाँ पे वो करेक्ट होना चाहिए बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जो है प्लांट एक्सक्रीट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस करते हैं प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो कई सब्सटेंसेस रिलीज करता है जैसे रेजिंस हुआ राइट right? तो वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है दे प्रोड्यूस यूरिया जस्ट लाइक ह्यूमंस या वो उसी तरीके से यूरिया प्रोड्यूस करता है जैसा कि, मतलब तो कि दोनों की में वो एक फॉल्स स्टेटमेंट को शो कर रहा है करेक्ट तो मैं यहाँ पे सी के साथ जाऊंगा तो सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर को हमें शो करता है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिकल so प्रोसेस है तो असरशन ही मेरे मुंह से निकल गया चलिए तो क्या एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो बिल्कुल

कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो रिलेट कर रहे हैं हमारे कौन से इस कॉन्सेप्ट से एक्सक्रेशन वाले अब हम बात करेंगे अपने कुछ और टॉपिक uh, की या और कुछ क्वेश्चंस की जिसमें हम लोग डील करेंगे कुछ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को तो इस वीडियो में इतना ही अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस की ऑल द बेस्ट